गुलबर्गा शहर की मशहूर मारूफ होटल नबी कैफे का सेकेंड ब्रांच ऑफ टीपू सुल्तान चौक रिंग रोड बिसाइड मोगल फंक्शन हॉल ओपन हुआ है। गुलबर्गा शहर की आवाम में चाय की दीवानगी देखी जाती है और जब बात नबी कैफे होटल की जाए तो इस होटल की चाय में एक अलग ही नशा है। पिछले 45 साल से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग नबी कैफे होटल की चाय पीने दूर दूर से आते हैं। नबी कैफे का फर्स्ट ब्रांच मोमिनपुरा सुपरमार्केट रोड पर मौजूद है और अब सेकेंड ब्रांच टीपू सुल्तान चौक रिंग रोड पर ओपन किया गया है, जिसका इनोग्रेशन जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब खिबला, डायरेक्टर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा, और हजरत सैयद शाह इस्माइलुद्दीन खादरी अलमारूफ वसीम बाबा साहेब खिबला सज्जादा नशीं आस्थान नबीर गौसे आज़म नीलूर शरीफ के हाथों किया गया है। इस इनोग्रेशन में चीफ गेस्ट जनाब नासिर हुसैन उस्ताद, यूनुस खान केटीएस, सैयद अहमद अक्समेर, अजमल गोला, अजीम शेख, अब्दुल हमीद, ताहिर अली, एडवोकेट जब्बार गोला, अयाज खान, सचिन प्रताबाद और दीगर कई लोग मौजूद थे। नबी कैफे होटल की चाय के साथ यहाँ के मिर्ची भजी और दीगर स्नैक्स भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और स्वीट में जलेबी, गुलाब जामुन, तेजाना लड्डू और दीगर कई सारे वैरायटीज़ में मिठाई यहाँ अवेलेबल हैं। तमाम चीफ गेस्ट ने नबी कैफे होटल के प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद इब्राहिम सरटगी साहब और उनके तमाम फर्जंद को सेकेंड ब्रांच ओपन करने के लिए मुबारकबाद पेश की है। मोहम्मद इब्राहिम सरटगी साहब के एक फर्जंद आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने होटल के इंटीरियर को काफ़ी खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया है। आप तमाम से टीपू सुल्तान चौक रिंग रोड पर मौजूद नबी कैफे होटल के सेकेंड ब्रांच को विजिट करने की गुजारिश की गई है। आज नबी कैफे जो गुलबर्गा की मशहूर व मारूफ होटल जो मोमिनपुरा में है, आज इसकी सेकेंड ब्रांच की इफ्तिताह अमल में आई है मुग़ल फंक्शन हॉल के बाजू बिल्कुल रिंग रोड पर। मैं हमारे इब्राहिम सरटगी साहब को, उनके फर्जंदगान को, नज़ीर साहब को, पूरे खानवादे को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुस्तफ़ा बाबा साहब के दस्ते मुबारक से आज नबी कैफे का इफ्तिताह अमल में आया है। मैं इब्राहिम साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके तमाम अफराद ख़ानदान, खुसूसन उनके फर्जंदान को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आज रिंग रोड पर नबी कैफ़े के नाम से एक होटल का इफ्तिताह किया है। खुसूसन मैं इब्राहिम साहब के फर्जंद जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस होटल को बनाया है। नज़ीर साहब मेरे जो कि ख़ास दोस्त हैं, मैं उनको खुसूसन मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाएं और कामयाबी अता फरमाएं। पहले तो दिल की गहराइयों से नबी कैफ़े के पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआगो भी हूं कि अल्लाह इनके कारोबार में मज़ीद तरक्की दे। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि रिंग रोड पे रेस्टोरेंट होटल का तो हब बन चुका है और उसके अंदर और चांद चांद लगाने के लिए नबी कैफ़े में पार्टिसिपेट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी पॉइंट आर्किटेक्ट को काम हम भी देंगे और लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घरों को या अपने ऑफिसर्स को डेकोरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर इनको काम दें, इनको भी मौका दें। मैं इब्राहिम साहब और उनके तमाम फर्जंदानों को मुबारकबाद देता हूँ और नेक तमन्ना का इजहार करता हूँ कि नबी कैफ़े मैं समझता हूँ तकरीबन 40 साल के अरसे से शहर गुलबर्गा में बेहतरीन चाय पिलाकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं शहरियाने गुलबर्गा को। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी चाय इतनी लजीज होती है, उसका जो फार्मूला जो हम सुनते आए हैं, ये खुद अपनी डेयरी से दूध लाकर चाय बनाते हैं, इसीलिए चाय जो इंडियन टॉनिक है, इंडियन ड्रिंक भी कहा जाता है, जो हर कोई हर मीटिंग में इसको पीकर अपने काम की दिन की शुरुआत करते हैं, वो आज यहाँ पे इफ्तिताह हुई है। साथ ही साथ इनके जो स्नैक्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी लजीज होते हैं। मैं अपनी जानिब से, तमाम मेरे टीम की जानिब से, मैं गुलबर्गा के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार यहाँ के नबी कैफे पर विज़िट करें।
टीपू चौक पे बिल्कुल मुगल फंक्शन हॉल का मेन गेट के बाजू नबी कैफ़े का इफ्तिताह हो गया है। मैं इब्राहिम साहब और उनकी तमाम फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ। नबी कैफ़े की टीपू चौक में अमल आई है। मैं नबी कैफ़े के तमाम प्रोपराइटर्स को, ओनर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और दुआगो हूं कि अल्लाह ताला उनको इस कारोबार में और बरकत दे और इस तरह के कई तरह के ब्रांचेस तमाम गुलबर्गा में पहले। आप लोग जो जायका 1977 से गुलबर्गा शहर में ले रहे हैं, वैसे ही जायका आपको जो है रिंग रोड पर नज़द मुगल गार्डन फंक्शन हॉल के करीब भी मिलेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। मेरे को ऐसा लगता है कि आज टीपू सुल्तान चौक जो है मुकम्मल हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि हर तरीके का जायका आज टीपू सुल्तान चौक पर गुलबर्गा की आवाम को मिल रहा है। नबी कैफ़े ब्रांड जो है ना 1977 से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और मोहम्मद इब्राहिम साहब जो कि मेरे वालिद साहब हैं, तकरीबन रिंग रोड से कुछ हज़रत को जो है ना मोमिनपुरे में तशरीफ़ लाना पड़ता था ख़ास करके चाय के लिए, तो अब हम जो है ना रिंग रोड पर जो है ना इंशाल्लाह खिदमत देने के अंजाम से यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे पास स्वीट्स में यहाँ पर जो है ना काजू कतलई है, डिंग लड्डू है और पनीर जलेबी है, खलाखंद है, स्पेशल खलाखंद है, जामुन है और जो है ना अपना बासुंदी है, रसमलाई है और इंशाल्लाह जो है ना इवनिंग टाइम पे हमारे पास मिर्ची भजे, वड़ा पाव, स्नैक्स आइटम में जो है ना अवेलेबल रहेंगे, जो कि वो भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आके खाते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी गेस्ट आए थे उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कीमती वक्त निकाल के जो यहाँ पे आए। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद आखिब, सन ऑफ मोहम्मद इलियास अहमद। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड ब्रांच नबी कैफ़े, देर यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ स्वीट्स, स्नैक्स एंड टी। नबी कैफ़े की चाय का टेस्ट तुम क्या जानो यारो, नबी कैफ़े की चाय का टेस्ट तुम क्या जानो यारो, यहाँ तो हर एक सिप का अलग ही मज़ा है।